जो बेसिक कहानी मैंने प्यार की वो मेरे फादर ने मुझे दी थी कि मेरे फादर का बहुत मन था कि जो पहली फिल्म मैं बना वो एक लव स्टोरी हो सो so, क्रिएट हो जाता है मोमेंट मोमेंट बाय सो वन ऑफ एक्चुअली मैंने प्यार किया लव स्टोरी थी मैं नया था तो बशरते नए लव स्टोरी मतलब नया चेहरे मुझे याद है कि दिखने में तो सलमान बहुत छोटे से थे यंग फाइव नाइन पर फोटोग्राफ हुआ इलेक्ट्रीफाइंग तो फिर मैं वहीं रुका रहा कि एक लड़का लड़की में चलो प्यार होगा तो काफी सोचते प्यार कैसे कैसे फिर जब ये आया पॉइंट कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं वहां से एक्चुअली मैंने प्यार किया का रियल क्रिएशन शुरू हुआ हाय मैं हूँ सूरज बढ़ और आप देख रहे हैं डायरेक्टर्स डायरी विद फिल्म एक्चुअली ये जो बेसिक कहानी मैंने प्यार की वो मेरे फादर ने मुझे दी थी क्योंकि मैंने ओरिजिनल एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो फाइनली बनी नहीं क्योंकि मेरे फादर का बहुत मन था कि जो पहली फिल्म मैं बना वो एक लव स्टोरी हो क्योंकि मैं आई वाज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ही सर की अपनी उम्र का कुछ लिखो तो उन्होंने एक कहानी थी मुझे जो एक राजस्थानी फोक कहानी थी जिसका अभी भी मुझे याद है उस कहानी का बीच ये था कि एक बाप अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ के जाता है कमाने के लिए और बेटी की बेटी की मोहब्बत हो जाती है उस दोस्त के बेटे के साथ और फिर एक पॉइंट पे जब वो बाप वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी की इंसल्ट हो रही है वहाँ और वो गुस्से से बेटी को ले जाते इतनी सी कहानी थी तो उन्होंने एक ऐसी का, का, तो डिस्कस करते ऐसी कहानी बोली ये देखो ये बीज है इसको लेकर के देखो कुछ बना सके और उनका कुछ मुगल आजम जैसा बनाओ मतलब उनका ये कहना था कि थोड़ा सा ना सेफ रहो मतलब सेफ जैसे एक विलन एक हीरो रखो हीरोइन रखो विलन रखो थोड़ा एक्शन रखो मतलब वो वो ए वो एट्टीज़ का ज़माना था जब यू नो थोड़े हर हर किस्म की अचार चाहिए, थोड़े चाहिए थोड़ा नमकीन चाहिए तो फिर मैं वहीं रुका रहा कि एक लड़का लड़की में चलो प्यार होगा तो काफ़ी सोचते प्यार कैसे कैसे फिर जब ये आया पॉइंट कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं वहाँ से एक्चुअली मैंने प्यार किया का रियल क्रिएशन शुरू हुआ जब मुझे समझ आया कि ये स्ट्रक्चर के अंदर एक अलग ढंग से एक लव स्टोरी कही जा सके आ, मैं तो राइटर था नहीं मैं तो मेरे फादर ने मुझे मैंने कहा कि मुझे राइटर चाहिए बोले नहीं मुझे राइट राइटर वगैरह कोई नहीं तुम अपने हिसाब से लो मैंने कहा मैं राइटर बोले लिखो कुछ मैं हूँ यहाँ करेक्ट करने के लिए तुम्हारी ज़ुबान चाहिए तो उस चक्कर में मैंने स्क्रीन पर लिखा वो करेक्ट करते गए फिर डायलॉग का टाइम आया तो बोले डायलॉग लिखो तो मैंने कहा मुझे हिंदी नहीं आती ठीक से बोले नहीं इंग्लिश में लिखो तो मैंने एक्चुअली डायलॉग सब इंग्लिश में लिखे बोले अब इसको ट्रांसलेट करो बिकॉज ही सेड कि फ्रेशनेस तभी आएगी जब वो अचकचरा मिलेगा लेकिन जहाँ आपने बड़े अच्छे राइटर ले लिए तो वो फिर एक एक लिटरेचर बनेगा फ्रेश सिनेमा नहीं बनेगा एक्चुअली मैंने प्यार किया लव स्टोरी थी मैं नया था तो बशर्ते नए लव स्टोरी मतलब नया चेहरे लड़का लड़की के तो हमने बहुत लड़का लड़कियों की टेस्टिंग की कोई ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे याद है एक लड़की आई थी जो अब टेस्ट देने उसका टेस्ट तो खैर रोल में सूट ठीक है तो उसने कहा कि एक एक लड़का है जिसके साथ उन्होंने कोई एडवर्टीज़मेंट रील की कॉल सलमान खान जो सलीम साहब के बेटे हैं तो उनको बुलाइए तो जब मैंने आ, मैंने सोचा सलीम साहब के बेटे मतलब तो क्यों करेंगे हमारे साथ काम बट फिर सबसे मिल रहे थे तो उनसे मिले तो मुझे याद है कि दिखने में तो सलमान बहुत छोटे से थे यंग फाइव नाइन बट फोटोग्राफ्स हुआ इलेक्ट्रीफाइंग बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज वॉज़ ऑलरेडी डूइंग अ साइड रोल इन बीबी व्यू होता ऐसे ही हो तो हमें तो लॉन्च करना था फिर छः महीने तक हमने उनको वेट कराया और हम और लोगों को ढूंढते रहे और सबसे अचंभे की बात यह कि वो खुद ही और और लड़कों को भेजते रहे कि नहीं ये मेरे से बेटर है इनको ले लो इनको ले लो इनको ले लो तो ये जो भोलापन है जो उनकी एक एक अच्छाई थी ऑफ अगरिंग टू वेट एंड सेंडिंग मोर ऑप्शंस आई थिंक फाइनली वी रियलाइज कि नो बेटर देन सलमान खान तो फिर देन वी वी टुक द चैलेंज कि भले ही उनका छोटा रोल हो बट फिर वी वर्कड ऑन द कैरेक्टर सलमान के एक एक जेस्चर एक एक लुक सो दिस वॉज हिस्ट्री ऑफ सलमान ऑफ़ ऑफकोर्स हीरोइन का तो और डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि हम जो चाह रहे थे कुछ लड़कियाँ तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हमें अनिल कपूर या यश चोपड़ा का ब्रेक हो तो हम देंगे तो हम काफ़ी मायूस हुए फिर अगेन क्रेडिट टू माई फादर वो अलाहाबाद जा रहे थे टू लुक एट ऑप्शन ऑफ हीरोइन इन अलाहाबाद एक्टिंग स्टेज कॉम्पिटिशन तो मुझे याद है रस्ते से कोई स्टेशन से उन्होंने मुझे फ़ोन किया बूथ से कि थोड़ा रुक जाओ मेरे पास ये गृहलक्ष्मी में एक फ़ोटो है भाग्यश्री की हम इस फैमिली को जानते हैं इन्होंने कच्ची धूप का बहुत इनोसेंट लड़के एक बार इनसे मिलते हैं तो नेक्स्ट डे जाके उनसे मिले टेस्ट हुआ तो ये मतलब तो एक तरफ लता जी गाने गा रही थी हमारे पास हीरोइन लता जी पूछ रहे थे कि हीरोइन कौन है तो हीरोइन कहने के लिए कोई थी नहीं बट जब तक रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तब तक हमें हीरोइन भी मिल गई नहीं मोनीष जी का तो आ, रोल भेजा था उन्होंने विलेन के रोल के लिए क्योंकि आ, हमें विलेन का रोल था तो कई हम लोग टेस्ट कर रहे थे पर जम नहीं रहा था तो एक दिन उन्होंने कहा कि आ, कि विलेन के लिए एक सजेशन नाम देता हूँ मेरे दोस्त तो मोनीष बैल तो हमने को कहा कि विलेन का रोल तो एक्ट वो तो हीरो कर चुके हैं तो फादर ने मना किया तो फिर नूतन जी का फ़ोन आया नूतन जी का फ़ोन आया मैं मुझे याद है मेरे फादर के पास और कहा राज बाबू मेरे बेटे को मेरा बेटा होने की सज़ा क्यों दे रहे हैं आप आप ऑडिशन क्यों नहीं लेते तो तुरंत मुनीष आए ऑडिशन दिया फिर एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते और फिर द बेस्ट पार्ट ऑफ मैने पेयर केयर्स प्रोसेस वॉज हम सब नए थे हम सब नए थे बट हम लोग वो किरदार Uh, में खेल रहे थे जो हम रोज़मर्रा की जीते जैसे मैंने प्यार के में पहली बार फर्स्ट टाइम सेकेंड हाफ में एक हीरो ने सिर्फ जीन पहना है और एक uh, वेस्ट पहना है और एक शर्ट पहना है मतलब इट वॉज़ अनहर्ड एट दैट टाइम कि हमेशा चेंज होता था बट हम लोग अपने किरदार के तो मेरे लिए ज़िंदगी वही थी जो मैं जी रहा था तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब कोई डायरेक्टर वो बनाता है जो लाइफ उससे जी है तो बहुत आसान हो जाता है फिल्में कि इनफैक्ट मैं सबको रेकमेंड करता हूँ नई देखो जो पहली पिक्चर आप बनाओ प्लीज़ टेक फ्रॉम योर लाइफ एंड मेक वॉट यूर <tune> लिव्ड पूरे फुल इन्वॉल्व थे बिकॉज छः महीने तक म्यूज़िक पे काम जहाँ हमारी कहानी भी लिखी जाती थी तो साथ साथ म्यूज़िक पे भी हो रहा भी था बिकॉज म्यूजिक हैड्स टू बी इंटरनल पार्ट ऑफ फिल्म हर राष्ट्रीय फिल्म में म्यूज़िक कभी हम लोगों ने ये नहीं चाहा कि हमारे पास कोई हिट गाना मिले बट हमने हमेशा कोशिश की कि हिट सिचुएशन हो क्योंकि वो सिचुएशन एक गाने को बेस देती है तो छः महीने का टारगेट रोज नए नए अलग अलग सिंगर्स नए नए सिंगर्स गाने वाले थे बट फिर मेरी बहुत इच्छा थी कि एटलीस्ट सिंगर्स वॉइस वो, वो, मिले जो थोड़े हो क्योंकि हम सभी नए थे तो फिर राम लक्ष्मण जी ने मेरे फादर से बात की मैं मेरे मेरी इच्छा सिर्फ बालू जी की थी कि बालू जी आए सलमान के लिए बट फिर मेरे फादर ने काफी अगर बालू जी आ रहे तो लता जी आए और फिर पूरा स्तर पिक्चर का उठा वंस लता जी स्टेपेड एक्चुअली वो सीन भी बाय चांस हुआ क्योंकि जो ओरिजिनल सीन था उसमें सलमान माँ से परमिशन ले जाने के लिए माँ उनको मंदिर में लेके जाती है और माँ ऐसे वो कंगन देती है और बोलती है लो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही कंगन दे देना बहू को सीधा सीन था जब मैं सेट पे आया तो मैंने कहा रीमा जी इसी रीमा जी मुझे बोली कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती मैंने कहा बोलोगी नहीं तो फिर कौन बोलेगा फिर मेरे सलमान को लेके क्या सीन सल मैं कुछ बोलूँ क्या तो मैंने लिखा था एक माँ बोलने वाली है बट माँ बोल रही मैं नहीं लिखूँ बोलना चाहती हूँ सलम बोलता मैं बोलना चाहता हूँ तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था ये मोमेंट को शूट कैसे करें तो मुझे याद है मैंने आसपास सब सीन शूट कर लिया और मैंने सिर्फ दोनों को छोड़ दिया अंदर मंदिर में छोटा सा सेट था कि अच्छा आप क्या बोलना चाहते हो तो तो ऑन द स्पॉट थ्री ऑफ़ अस क्रिएटेड दैट मोमेंट वेर शी गिव्स द कंगन कुछ बोलती नहीं है एंड हीरो सेज दैट मुझे डरने की कोई बात नहीं रहा तो वो मना करती है मैं सही हूं ना एंड शी क्राइज ही क्राइज सो ये क्रिएट हो जाता है मोमेंट बाई मोमेंट सो दीज आर वन ऑफ दोज क्रिएशंस आज रीमा जी है नहीं बट आई ऑलवेज रिमेंबर हर